नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कल 26 अप्रैल को राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान से पहले बाड़मेर के अंदर उमेदवार बेनीवाल को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को समर्थन दे दिया है, जिसके बाद में कैलाश चौधरी का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के रालोपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र हित में भाजपा को समर्थन दिया है। मैं समस्त आरएलपी कार्यकर्ताओं व आरएलपी सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल का धन्यवाद देता हूं। जिसके बाद में नागौर जिला अध्यक्ष और मकराना से विधायक जाकिर हुसैन गैसावत का ट्वीट भी सामने आया है, जिसके अंदर उन्होंने ऐसे पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का अपील की है। कांग्रेस के नागौर से जिला अध्यक्ष और मकराना से विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी से निवेदन है कि गठबंधन धर्म नहीं निभाने वाले व्यक्ति और पार्टी लाइन से हटकर इस तरह का बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई करें। नागौर में भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले और गठबंधन का साथ नहीं देने वाले पर अनुशासनहीनता के चलते कांग्रेस पार्टी ने 6 साल तक 3 नेताओं को निष्कासित करके गठबंधन का धर्म निभाया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर आरएलपी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसे फेक बताए जा रहे हैं। वहीं जाकिर हुसैन गैसावत ने हनुमान बेनीवाल से आग्रह किया है कि जो पार्टी लाइन से हटकर इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, उन नेताओं पर कार्रवाई करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हमने भी नागौर के अंदर अपना गठबंधन धर्म निभाया है और 3 नेताओं को 6 साल के लिए अनुशासनहीनता में निष्कासित किया है।